दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। इन्हें शंकर, महेश, नीलकंठ और गंगाधर समेत कई नामों से जाना जाता है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि महादेव के रौद्र स्वरूप में आने से पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है। जब भगवान शिव रौद्र स्वरूप धारण करते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुलती है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र में रहस्य छुपा हुआ है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। चलिए आपको बताएंगे कि भगवान शिव की तीसरी आंख कैसे प्रकट हुई। नमस्कार मेरे दोस्तों, ETH चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपसे बस इतना ही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि भगवान शिव का नाम लेने से घर में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव एक सभा का आयोजन कर रहे थे। उस दौरान वहां पर अचानक से माँ पार्वती पहुंची और देवों के देव महादेव के दोनों नेत्रों पर हाथ रख दिया। जैसे ही माँ पार्वती ने भगवान की आंखें ढकी तो पूरी सृष्टि पर अंधेरा सा छा गया। इसके बाद हर तरफ हाहाकार मच गया। पशु पक्षी घबरा कर इधर उधर भागने लगे। यह दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई। ऐसे में उनके ललाट पर ज्योतिपुंज प्रकट हुआ जो महादेव का तीसरा नेत्र बना। इसके बाद पूरी सृष्टि में रोशनी हुई। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से तीसरे नेत्र के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके नेत्र जगत के पालनहार है। अगर वह तीसरा नेत्र प्रकट नहीं करते तो सृष्टि का विनाश होना तय था। भगवान महादेव की तीसरी आंख बेहद शक्तिशाली है। इस आंख के द्वारा वह भूत, भविष्य, वर्तमान को देख सकते हैं। आखिर यही वजह है कि भगवान शिव की तीसरी आंख को अधिक शक्तिशाली माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि वह तीसरी आंख से सब कुछ देख सकते हैं, जितना कि वह दोनों आंखों से नहीं देख सकते।